लखनऊ से गिरफ्तार आतंकियों के गिरेबा पर जब एटीएस के हाथ पहुंचे तो आतंकी मिनहास और मसरुद्दीन ने अपने प्लान से लेकर आका के नाम को सामने रख दिया। बता दिया कि कैसे 15 अगस्त को शहर दर शहर दहलाने वाली साजिश रची जा रही थी, बस उनको इंतजार था तो अपने आका के आदेश का, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर बैठा हुआ है। लेकिन जब आतंकियों के आका की कुंडली खंगाली गई तो सामने आया दहशत का देवबंद कनेक्शन। आतंकियों के आका का देवबंद कनेक्शन। उन्होंने ज्यादा तालीम जो है दारुल उलूम देवबंद से है। दारुल उलूम से क्या है अल मंडी का रिलेशन? ना, और तो कोई पढ़ा लिखा, मेरे ख्याल से शायद ये शनाउल हक पढ़ा हुआ है, ये दारुल उलूम देवबंद से पढ़ा हुआ। अब ये पता नहीं, मुझे साथ था या नहीं था। कैसे संभल का शहीद बना उमर अल मंडी? कैसे गांव का लड़का बना आतंकी? लखनऊ के काकोरी इलाके के घर से एटीएस ने जिन दो आतंकियों को गिरफ्तार किया था, उन दोनों आतंकियों मिनहाज अहमद और मसरुद्दीन का पाकिस्तानी कनेक्शन निकलकर सामने आया, जिसमें वो आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े हुए थे। और फिर जब तफ्तीश और पूछताछ शुरू हुई तो सामने आया एक और दहशत गर्द का नाम, उमर अल मंडी। अलकायदा की भारतीय मॉड्यूल के यूपी का चीफ उमर अलमंडी की इन दिनों लोकेशन पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर है, जहां से वो लगातार यूपी में जिहादियों की भर्ती कर रहा है। पूछताछ में पता चला है कि उसी के संपर्क में थे मिनहाज और मसरुद्दीन, और उसी के इशारे पर मौत का सामान तैयार किया जा रहा था। लेकिन जब उमर अलमंडी के बारे में चीजों को खंगालना शुरू किया गया तो सामने आया अलमंडी का यूपी कनेक्शन। आतंकी उमर अलमंडी का सामने आया संभल कनेक्शन। संभल के दीपा सराय का रहने वाला है उमर अलमंडी। उमर अलमंडी का असली नाम है सईद अख्तर। 1999 में संभल से सईद हो गया था गायब, और फिर सईद अख्तर से बन गया आतंकी उमर अलमंडी। दरअसल एबीपी गंगा की टीम ने वो गांव खोज निकाला जहां उमर अलमंडी रहा करता था। आज भी उसके परिवार के लोग वहां मौजूद हैं। उमर अलमंडी के भाई से एबीपी गंगा ने जब बात की तो आतंकी उमर अलमंडी के भाई ने उसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। भाई हमारा जो है 98 से 99 से संभल से गायब है, और उसके वास्ते उससे न हमसे कोई संपर्क करा, न हमने उससे कोई संपर्क करा। और हमें भी एजेंसियों के थ्रू ही पता चला कि आपका भाई गलत गतिविधियों में, आतंकवादी गतिविधियों में है। यही नहीं, इस बातचीत के दौरान पता चला कि उमर अलमंडी मौलाना बनना चाहता था, और उमर से ही उसको दीनी तालीम मिली थी, और ये तालीम उसने दारुल उलूम से हासिल की। जी दाढ़ी भी कटा ली थी, फादर हमारे खुद मौलवी थे, ये खुद हाफिज कुरान थे और पढ़े थे वैसे दारुल उलूम से। तो जब दाढ़ी कटा ली थी तो फादर ने इन्हें बहुत बका, और फिर वल्ला आलम हम तो 13-14 साल के थे उस वक्त। बहरहाल ये गुस्से में घर से चले गए, फिर लौटे नहीं, और फिर बाद में दीगर पुलिस आती रही इन्हें पूछने के लिए। ये फिर इन्होंने कोई कॉन्टेक्ट हमसे नहीं करा, ना हमने कराया। दारुल उलूम का जिक्र आते ही एक बार फिर से जांच एजेंसियों की रडार पर दारुल उलूम आ गया। उत्तर प्रदेश एटीएस ने लखनऊ से जिन दो आतंकियों को गिरफ्तार किया है उनका कनेक्शन अलकायदा के सक्रिय आतंकी उमर हलमंडी से निकल के सामने आया है, जिसके बाद जांच एजेंसियों ने उमर हलमंडी के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि उमर हलमंडी उत्तर प्रदेश के संभल का रहने वाला है। और जब उसके भाइयों से एबीपी गंगा की टीम ने बात की तो पता चला कि वो कुछ वर्ष पहले दारुल उलूम देवबंद में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया था, और यही वजह है कि अब एनआईए समेत जो भी जांच एजेंसियां हैं उनकी रडार पर देवबंद है। उमर हलमंडी उर्फ सईद अख्तर का देवबंद कनेक्शन सामने आने के बाद एनआईए ने अपनी जाँच तेज कर दी है, और उम्मीद है कि जल्द ही एनआईए की एक टीम देवबंद पहुंचकर उमर हलमंडी के देवबंद कनेक्शन की जांच कर सकती है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार आतंकियों का देवबंद कनेक्शन सामने आ चुका है। अक्सरियत इस तरह का नाम जोड़ना देवबंद से के
यहाँ से आतंकवाद का कनेक्शन है, तरह तरह की बातें आमतौर पर सुनने को मिलती हैं, तो ये बहुत फिक्र की बात है। हम लोगों को भी इस चीज़ को लेकर हैरत होती है। दरअसल अगर दियोबंद के किसी मोहल्ले में आपसी किसी बच्चों को भी कोई लड़ाई होती है या झगड़ा होता है तो उसको भी जो है बाकायदा दारुलूम से जोड़कर दिखाया जाता है। इसके लिए एक बहुत बड़ी सियासत चली आ रही है कि दारुलूम दियोबंद के ऊपर बदनामगी का निशान लगाया जाए, जबकि दारुलूम दियोबंद जो है एक बहुत पवित्र स्थान है जहाँ शिक्षा दी जाती है। इस जाँच के दौरान ये पता करने की कोशिश की जाएगी कि दारुल उलूम में कब से कब तक रहा उमर हलवंडी, कब कब और किन किन लोगों से उसका गहरा संबंध था, गायब होने से पहले और बाद में कौन थे हलवंडी के संपर्क में। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार उमर हलमंडी का देवबंद से क्या कनेक्शन है, जब वो देवबंद आया था तो क्या उसका ब्रेन वॉश यहीं पर किया गया और यहीं से उसने आतंकी संगठनों को ज्वाइन करने की कोशिश की। इन सभी सवालों का जवाब तलाशने के लिए NIA जल्द ही देवबंद पहुंच सकती है और यहां पर कई लोगों से पूछताछ कर सकती है। फिलहाल आतंकी उमर हलमंडी के दारुल उलूम कनेक्शन सामने आने के बाद पश्चिमी यूपी के कई जिलों को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। ये वो जिले हैं जहां से सबसे ज्यादा छात्र पढ़ाई करने दारुल उलूम आते हैं। बार बार देवबंद का नाम आतंकी कनेक्शन में आ रहा है और यही वजह है कि देवबंद दारुल उलूम के जो प्रवक्ता हैं और जो वहां के शिक्षक हैं वो भी चाहते हैं कि एजेंसियां निष्पक्ष जांच करें और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि दारुल उलूम देवबंद इस्लामिक शिक्षा के लिए जाना जाता है, ना कि आतंकवाद के लिए। देवबंद से कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ बलराम पांडे, ABP गंगा। लखनऊ से आतंकियों की गिरफ्तारी और मौत के सामान के बरामद होने के बाद एक बार फिर से सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। लेकिन इस गिरफ्तारी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर कैसे लगातार आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद भी पिछले 15 साल से दहशतगर्द लखनऊ में जमे हुए हैं, कैसे हर बार वो बड़ी ही आसानी से अपना नेटवर्क खड़ा कर लेते हैं, कैसे वो आखिर लखनऊ को बना लेते हैं अपना ठिकाना। देखिए शहर शहर स्लीपर साजिश। आतंकियों के निशाने पर राजधानी, लिखने को बेताब दहशत की कहानी, ATS ने तोड़ दी आतंकियों की कमर। लखनऊ के काकोरी इलाके से गिरफ्तार हुए अलकायदा के 2 आतंकियों के मंसूबों को ATS ने जमींदोज कर दिया और जब पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ तो खुलने लगी है आतंकी परत दर परत कि कैसे 15 अगस्त के मौके पर दहशत फैलाने का प्लान तैयार किया गया था। लेकिन एक सवाल भी खड़ा हो गया, क्या कि लखनऊ को कैसे ये आतंकी अपना ठिकाना बना रहे हैं, लखनऊ में पनाह ले रहे दहशतगर्द। राजधानी में खड़ा कर रहे नेटवर्क, आतंकी मिनहाज अहमद और मसरुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद एक बात साफ हो चुकी है कि लखनऊ पिछले 15 साल से आतंकियों के निशाने पर है, जहां रिहायशी इलाके में आतंकी अलग अलग नाम और पहचान से पनाह लेते रहे हैं। लखनऊ बनता जा रहा है आतंकियों का गढ़। 15 साल में लखनऊ से गिरफ्तार हुए कई आतंकी, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा की लखनऊ पर नजर, ISIS के आतंकियों की भी हो चुकी गिरफ्तारी, आतंकियों से बरामद हो चुका है मौत का सामान। अमन और प्यार का पैगाम देने वाली नवाबों की नगरी लखनऊ में आतंक का काला साया गहराता जा रहा है। 1.5 दशक के दौरान लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, अलकायदा, ISIS और ISI से जुड़े आतंकियों ने यहाँ पर अपनी गहरी जड़ें जमा ली हैं। आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल यहां सक्रिय रहते हैं। लखनऊ में ही रहकर आतंकी प्रदेश के तमाम शहरों से लेकर देश के विभिन्न स्थानों पे अपना नेटवर्क चला रहे हैं। हालांकि ATS और STF जैसी
सुरक्षा एजेंसियों ने कई आतंकियों को गिरफ्तार करके उनके नापाक मंसूबों पर पानी फेरा है। लखनऊ दरअसल इसलिए आतंकियों के लिए मुफीद साबित हो रहा है कि पूरे यूपी और देश में नेटवर्क बनाने में मिलती है मदद। राजनीतिक और आर्थिक तौर पर मजबूत है लखनऊ। देश विदेश से कई आतंकी संगठनों ने लखनऊ को बनाया कड़। दरअसल इसकी तस्दीक करती है पिछले 15 साल में हुई कार्रवाई और घटनाएं कि कैसे आतंकियों ने लखनऊ को अपना ठिकाना बनाया और लखनऊ से ही अलग अलग संगठन के लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मार्च 2005 में एसटीएफ ने दो आतंकियों को गिरफ्तार किया, जहां लश्कर ए तैयबा के सादात और इरफान नाम के आतंकियों की गिरफ्तारी हुई। दिसंबर 2006 में केसरबाग से आईएसआई एजेंट अब्दुल शकूर और अनिल को गिरफ्तार किया गया। जून 2007 में हुजी का एरिया कमांडर बाबू और नौशाद लखनऊ से अरेस्ट हुए। जुलाई 2007 आतंकी नूर इस्लाम की निशानदेही पर इंडस्ट्रियल एरिया से आरडीएक्स बरामद हुआ था। नवंबर 2007 एसटीएफ ने जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। नवंबर 2009 पुराने लखनऊ से पाकिस्तानी जासूस आमिर को अरेस्ट किया गया था। यही नहीं, मानो हर साल लखनऊ से किसी न किसी आतंकी की गिरफ्तारी इस बात की तस्दीक करती है कि बड़े ही आराम से आतंकी लखनऊ को ठिकाना बना रहे हैं। मार्च 2017 में काकोरी में आईएसआईएस का आतंकी सैफुल्ला एनकाउंटर में ढेर हुआ था। सैफुल्ला के पास से बरामद हुई थी विस्फोटक सामग्री, साथ ही आईएसआईएस के इस आतंकी सैफुल्ला के पास से नक्शे भी बरामद हुए थे। सैफुल्ला को ढेर करने के बाद जरूर बड़ी वारदात को होने से रोक दिया गया था, लेकिन जिस तरह से अलकायदा के आतंकी मिनहाज और मसरुद्दीन गिरफ्तार हुए हैं वो बताने के लिए काफी है कि सुरक्षा एजेंसियां आतंकियों के नेटवर्क को तोड़ने में नाकाम रही हैं। अलकायदा की नापाक साजिशों को अंजाम देने में भी मदद कर रहा है। संगठन के लोग मुख्यतः कश्मीर के पुलवामा और शोपियां में कैंप चलाते हैं। इसी साल अप्रैल में सुरक्षा बलों ने संगठन के चीफ इम्तियाज शाह को मुठभेड़ में मार गिराया था। संगठन की यूपी में आहट से सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। आतंकियों की गिरफ्तारी ने एक बार फिर से सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता पर सवालिया निशान लगा दिया। नहीं, मैं इसको फेलियर नहीं मानता, मैं तो इसको सफलता मानता हूँ। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसमें लगातार काम करने की आवश्यकता है। इसमें कोई रिजल्ट ओवरनाइट हमें नहीं मिलते। इसमें आज किसी एंगल पे अगर काम शुरू होता है तो हो सकता है कि 2 साल बाद उसमें सफलता मिले। तो ये लगातार प्रयास हुए हैं, होते रहे हैं और उसी का फल है कि ये हमको सफलता मिली है। हालांकि हमें और मजबूती से इसमें और समन्वय बढ़ाते हुए अपने अभिसूचना तंत्र को और मजबूत करना पड़ेगा। फिलहाल गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ हो रही है और उनका नेटवर्क खंगाला जा रहा है, जिससे यूपी और खासकर लखनऊ में ठिकाना बनाने वाले आतंकियों के नेटवर्क को तोड़ा जा सके। अंसार गजवातुल हिंद कश्मीर का संगठन है और अलकायदा के लिए देश में अशांति फैलाने और तबाही मचाने का काम करता है। इस संगठन की स्थापना जुलाई 2017 में जाकिर राशिद भाट ने की थी। इस संगठन का वर्तमान काम उमर हलबंदी देख रहा है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर बैठकर हिंदुस्तान में अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए साजिशें रचता है। कैमरा सहयोगी प्रमोद वाजपेयी के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। लखनऊ से एटीएस ने जिन 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया उनके पास से मौत का सामान बरामद हुआ था। विस्फोटक सामग्री से लेकर आईईडी तक बरामद हुआ था, साथ ही एक पिस्टल भी बरामद हुई थी, जिसके बाद एटीएस ने आतंकी मिनहाज और मसरुद्दीन का जब मुंह खुलवाया तो सामने आ गया आतंक का कानपुर कनेक्शन। साथ ही खुलने लगे राज की कैसे रची जा रही है शहर शहर स्लीपर सेल वाली साजिश। कानपुर पर आतंकियों की बुरी नजर। कानपुर में खड़ा कर रहे थे नेटवर्क। लखनऊ से गिरफ्तार आतंकी मिनहाज और मसरुद्दीन के मंसूबे बेहद खौफनाक थे। बम और हथियार के दम पर वो आतंक फैलाने वाले थे और उसके लिए मौत का सामान बना रहे थे और इसके लिए लगातार वो विस्फोटक सामग्री से लेकर हथियार इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन एटीएस की पूछताछ में सामने आया है कि इन आतंकियों का कनेक्शन सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं था, बल्कि यूपी के अलग अलग जिलों से इनका कनेक्शन सामने आया। लखनऊ से कानपुर तक फैले दहशतगर्द।
आतंकी मेनाज और मसरुद्दीन से हुई पूछताछ में जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। एटीएस के सूत्रों की माने तो लखनऊ में पकड़े गए आतंकी संगठन अलकायदा के आतंकियों ने कानपुर के कई चक्कर लगाए थे। उनके पास से जो पिस्टल बरामद हुई है वो कानपुर के चमनगंज इलाके से खरीदी गई थी। बताया जा रहा है चमनगंज के एक हिस्ट्री शीटर ने इन्हें पिस्टल मुहैया कराई थी। वहीं बताया जा रहा है कि पिस्टल बेचने वाले और उसके साथी को एटीएस ने हिरासत में ले लिया और पूछताछ में आतंकियों का कानपुर कनेक्शन खुलकर सामने आ गया। लखनऊ में पकड़े गए आतंकियों के कानपुर कनेक्शन की अगर परतें खोली जा रही हैं तो यूपी एटीएस को तमाम बातें निकल करके सामने मिल रही हैं। तमाम पूछताछ की जा रही है। अब तक कानपुर से 6 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और यूपी एटीएस की टीमें जो पूछताछ में पा रही हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। एक बिल्डर के बाद अब यूपी एटीएस उस प्रोफेसर की तलाश में है जो इन आतंकियों के संपर्क में था। स्लीपर मॉड्यूल यहाँ पर एक्टिव था और 2 आतंकी जो लखनऊ से पकड़े गए थे वो लगातार कानपुर का दौरा कर रहे थे। ये भी कहा जा रहा है, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, कि लोगों का माइंड वॉश कर रहे थे ताकि इनको आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जा सके। पूछताछ में सामने आया है कि आतंकियों ने कई बार कानपुर का चक्कर लगाया। कानपुर से हथियार खरीदने की फिराक में थे आतंकी। आतंकियों को कानपुर से ही मिली थी पिस्टल। कानपुर में सक्रिय थी स्लीपर से। लखनऊ के बाद कानपुर को बनाना था निशाना। फिलहाल इस खुलासे के बाद कानपुर पुलिस भी अलर्ट मोड पर है और लगातार उन लोगों को ढूंढा जा रहा है जो आतंकी मेनहाज और मसरुद्दीन के संपर्क में थे। यूपी एटीएस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है और इस इन्वेस्टिगेशन में कानपुर का भी कनेक्शन है। कानपुर, जैसा हम जानते हैं, पूर्व में भी कई बार आतंकवादी निशाने पर रहा है या यहाँ से आतंकवादी ग्रुप बने हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। इस पृष्ठभूमि में हम लोग बहुत विशेष सतर्कता बरत रहे हैं, खासकर इसलिए क्योंकि अभी आने वाले समय में कई सारे त्यौहार हैं और जो ग्रुप अभी पकड़ा गया है उसके संबंध में इन्वेस्टिगेशन और डिटेल्ड कार्रवाई एटीएस कर रही है। किंतु कानपुर नगर पुलिस की जिम्मेदारी है कि सार्वजनिक स्थान, होटल आदि, इन सब की नियमित रूप से चेकिंग करें। वहीं आतंकी मेनाज और मसरुद्दीन के साथ साथ जो संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं उनसे लगातार पूछताछ हुई, जिसके बाद कानपुर से एक बिल्डर को भी हिरासत में लिया गया है, जिसे लेकर बताया जा रहा है कि एटीएस खंगाल रही है बिल्डर के बैंक खाते। सूत्रों की माने तो बिल्डर के खाते से हुआ है बड़ा लेन देन, लाखों रुपए एक महीने के भीतर इधर से उधर हुए। वही बिल्डर को हिरासत में लेने के बाद छत्रपति शाहू जी महाराज के एक प्रोफेसर को भी हिरासत में लिया गया है एटीएस सूत्रों की माने तो। आतंकी मेनाज खुद को प्रोफेसर बताता था। यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर से उसके लिंक थे। दोनों के बीच बातचीत के भी सबूत मिले हैं और पूछताछ के बाद 6 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। जो सार्वजनिक स्थान है, यानी सड़क, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बसों के अंदर, रेलवे के अंदर, इसमें हमारी सजगता हमेशा रहती है। लेकिन क्योंकि एक विशिष्ट सूचना हमको मिली है एटीएस के माध्यम से, तो हमारी सतर्कता सामान्य से अधिक है और आगे भी रहेगी जब तक कि सभी अंश इसकी गिरफ्तार नहीं हो जाते हैं। और व्यापक तौर पे अगर हम बात करें, अगर विशेष सूचना नहीं भी होती है तो भी हम लगातार चेकिंग करते रहते हैं। कई वीवीआईपी मूवमेंट पर इनकी नज़र थी और गड़बड़ी फैलाने की इनकी साजिश भी थी, लेकिन मई महीने में कोरोना और लॉकडाउन के चलते ये अपने नापाक मंसूबों को अंजाम नहीं दे पाए और इन्हें अपनी प्लानिंग रीशेड्यूल करनी पड़ गई, यानी आगे बढ़ानी पड़ गई। इसी के बीच यूपी एटीएस की जद में ये लोग आ गए और यूपी एटीएस ने मसरुद्दीन और मिनहास को जब पकड़ा तो तमाम खुलासे हो रहे हैं। आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे होंगे और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कानपुर में अभी भी यूपी एटीएस की टीम लगातार उन लोगों पर अपनी नज़र गड़ाए हुए है जो इनके कहीं ना कहीं मददगार रहे हैं। एक तरफ लगातार नए खुलासे हो रहे हैं तो वहीं आतंकी मिनहास और मसरुद्दीन की 14 दिन की रिमांड एटीएस को मिल चुकी है, जिसके बाद अब मसरुद्दीन की पत्नी ने अपने पति को निर्दोष बताया और न्याय की अपील की। सर, सब शादी वर्दी में थे, इतवार के दिन आए, वो बैठे हुए थे, करीब 11:30 बजे का टाइम था। इन्होंने आवाज़ दी तो हम निकल के गए, तो इनके हमने बताया हमने कोई आया है, तो इनके अब्बू खुद ही बाहर चले गए। कहने लगे जी सर क्या हुआ, तो कहने लगे कि जो है आइए यहाँ आइए, पूछिरुद्दीन किसका नाम है, तो बताइए मेरा नाम है। तो कहने लगे यहाँ ये कितने 8-10 थे, सब पकड़ के ले जाने लगे, ये बेटी है, इसको शुगर की दिक्कत है। ये रोने लगी, कहने लगी मेरे अब्बू को कहाँ ले जा रही है, बहुत रोने लगी। तो कहने लगे ऑटो नौटंकी कर, इससे कहीं तो इसका शुगर एकदम घट गया था, रो रही थी इतना, हमने चेक किया तो शुगर घटा हुआ था।
फिर उसके बाद में वो लोग कहने लगे कि आप इसको ऑटो से लेके आ जाइए, आप लेके आइए। हम उसको लेके गए, करीब एक डेढ़ घंटा हम वहाँ रहे, बैठे रहे, मेरे सामने गाड़ी में नहीं निकाला उनको। एक तरफ परिवार दोनों को निर्दोष करार दे रहा है तो वही पूछताछ में जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं कि मेनाज और मसरुद्दीन के संपर्क लखनऊ से लेकर कानपुर और कश्मीर से लेकर पाकिस्तान तक जुड़े हुए हैं। फिलहाल एटीएस के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि 14 दिनों के भीतर इस नेटवर्क को सबके सामने लाकर रख दे। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी के साथ लखनऊ से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। कहते हैं शौक बड़ी चीज है, लेकिन अगर वो शौक पूरा ना हो तो 440 वाट का शौक लग जाता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है इन दिनों बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के साथ। पंजाब के रोपड़ जेल में ऐश करने वाले मुख्तार अंसारी की अकड़ और मौज दोनों बांदा जेल आते ही फुर हो गए। डॉन को चढ़ी मनोरंजन की कुमारी, जेल प्रशासन ने माफिया की खुमारी उतारी। जेल में मनोरंजन के लिए तड़प रहा मुख्तार अंसारी। पंजाब की रोपड़ जेल को आरामगाह समझने वाले मुख्तार अंसारी की खुमारी एक एक कर उतर रही है। यूपी की बांदा जेल में आने के बाद भी वो तरह तरह के बहाने बनाकर जेल में मौज करने की सोच रहा था, लेकिन उसकी सारी खुमारी उतार कर रख दी गई है। टीवी देखने की माफिया ने की थी डिमांड। दरअसल हाल ही में पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी ने डिमांड रख दी थी, जिसमें उसने फुटबॉल मैच देखने के लिए टीवी की डिमांड की थी, जिसे सिरे से खारिज कर दिया गया था। जिसके बाद लगातार मुख्तार अंसारी ऐश और आराम की जिंदगी के लिए तड़प रहा था, जिसके बाद आखिरकार उसे कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। लेकिन उसके बाद भी माफिया मुख्तार मनोरंजन के लिए तड़पेगा। उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के पैराग्राफ 432 के तहत ये प्रावधान है कि जेल में बंद वीआईपी कैटेगरी में आने वाले किसी बंदी को रहने व खाने के मामले में विशेष सुविधाएं दी जा सकती हैं, विशेष छूट दी जा सकती है। लेकिन ये विशेष सुविधाएं या विशेष छूट उसी स्तर तक दी जा सकती है जहाँ तक बंदी या जेल की सुरक्षा को कोई खतरा ना हो। मुख्तार अंसारी के मामले में भी बांदा जेल प्रशासन ने यही फैसला किया है। दरअसल मुख्तार अंसारी के साथ एक आम कैदी की तरह ही बर्ताव किया जा रहा है, जिसमें उसे आखिरकार कुछ सामान दे दिए गए हैं। मेज, चौकी, अखबार, मच्छरदानी, पसंद का खाना, पंखा और लकड़ी का तख्त उपलब्ध कराए जाएंगे। दरी, कॉटन की चादर और एक जोड़ी चप्पल दी जाएगी। जेल मैनुअल के पैरा 432 के तहत मिली सुविधाएं। देखिए, पूर्वांचल के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी, जो कि पंजाब के रोपड़ जेल से बांदा जेल शिफ्ट किए गए थे, बांदा जेल में रहते हुए उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेष जज एम पी एम एल ए कोर्ट इलाहाबाद, जहां पर उनके 10 मुकदमे उनके खिलाफ चल रहे हैं, विचाराधीन हैं, उनसे मांग की थी कि उनको जो एक विधायक को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो जेल मैनुअल के धारा 432 के अनुसार उनको वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, लिहाजा उनको सारी सुविधाएं दी जाए। जिस पर कोर्ट ने जेल अधीक्षक बांदा से रिपोर्ट मांगी थी। जेल अधीक्षक बांदा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जेल मैनुअल के अनुसार जो भी सुपीरियर क्लास में एक विधायक को सुविधाएं दी जानी चाहिए वो सारी सुविधाएं इनको मुहैया कराई जा रही है और किसी अन्य सुविधा की कोई इनको आवश्यकता नहीं है। दरअसल जिन सुविधाओं की मांग मुख्तार अंसारी कर रहा है वो सुविधाओं को एम पी एम एल ए कोर्ट ने औचित्यहीन करार दिया और उस मामले में कोई भी दखल नहीं दिया। पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को यूपी की बांदा जेल में वो सभी सुविधाएं मिली हुई हैं जो एक विधायक होने के नाते जेल मैनुअल के आर्टिकल 432 के तहत उसे मिलनी चाहिए थी। इस बारे में बांदा जेल के सुपरिटेंडेंट ने प्रयागराज की स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। जेल अधीक्षक के जवाब के बाद स्पेशल कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की मांग को औचित्यहीन माना है और इस पर आगे सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। जरूर मुख्तार अंसारी को जेल में कुछ सामान दे दिए गए हैं, लेकिन फिर भी हर वक्त मुख्तार को बांदा जेल में रहकर पंजाब की रोपड़ जेल की याद आएगी, जहां वो ऐश करता था, मौज करता था, जेल को कंपनी गार्डन समझकर घूमता फिरता था। उसकी सारी ऐश पर बांदा जेल में घुसते ही रोक लग गई है। जेल में मनोरंजन को तड़पेगा मुख्तार अंसारी। टीवी देखने के लिए तरस जाएंगी मुख्तार की आंखें। कूलर की हवा खाने को बेताब रहेगा मुख्तार। बाहर के खाने के लिए रोता रहेगा मुख्तार। प्रयागराज की स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट में बाहुबली मुख्तार अंसारी के 11 मुकदमे विचाराधीन हैं। इनमें सबसे चर्चित मामला मऊ के दक्षिण टोला इलाके में हुए
डबल मर्डर केस से जुड़ा हुआ है, जिसका ट्रायल अब आखिरी दौर में है और फैसला अगले कुछ हफ्तों में कभी भी आ सकता है। चर्चा इस बात की है कि मुख्तार अंसारी इसी मुकदमे से बचने के लिए पंजाब के रोपड़ जेल में पनाह लिए हुआ था। दरअसल कोर्ट में सुनवाई के दौरान लगातार मुख्तार अंसारी अपनी डिमांड पूरी होने के लिए अलग अलग दलील दे रहा था, जिसमें उसने खुद को 5 बार का विधायक बताया, जनप्रतिनिधि के तौर पर 25 साल का हवाला दिया, किसी भी मामले में दोषी न दिए जाने की दलील दी। कोर्ट ने मुख्तार की हर दलील को ध्यान से सुना, लेकिन हर बार मुख्तार की मांगों को पूरा नहीं किया, जिसके लिए वो बांदा जेल में रहकर तड़प रहा है और आगे भी वो इसी तरह ही तड़पता रहेगा। और इंतजार है तो बस उसके गुनाहों के हिसाब का, जो एक एक कर बारी बारी से होगा। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट।